दोस्तों यूट्यूब के टॉप कॉमेडी एक्टर छुट्टू दादा ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिया एक बहुत ही बड़ा बयान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको छुट्टू दादा ने उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कहा उसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में बनाया था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया था। वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है वहाँ पर पहले शिव का मंदिर हुआ करता था। कोर्ट में भी अभी ये फैसला चल रहा है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद को अब तोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों इस मामले को लेकर हाल ही में छोटू दादा ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। छोटू दादा का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं तोड़ना चाहिए। छोटू दादा ने उनके सभी चाहने वालों से कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में हजारों सालों से लोग रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं और इस मस्जिद को तोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। छोटू दादा का कहना है कि जैसे हिंदू लोगों के लिए मंदिर ज़रूरी होती है वैसे ही मुस्लिम लोगों के लिए एक मस्जिद ज़रूरी होती है। और छोटू दादा का कहना है कि भारत देश एक सर्कुलर देश है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हमें किसी भी धर्म को तोड़ना या विरोध करना नहीं चाहिए। छोटू दादा का कहना है कि आज भारत देश में मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं और इस बुरे वक्त में मैं मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों की पूरी मदद करना चाहता हूं और उनके साथ खड़ा रहना चाहता हूं। दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छोटू दादा की ये बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। फैंस का कहना है कि छोटू दादा ने बिल्कुल सही बात कही है। वैसे दोस्तों आप सभी का क्या कहना है इस छोटू दादा के बात को लेकर आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।